समलिंग फ्रेंड्स, क्या आप यूके का चैरिटी वीज़ा लेना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो कि हम यूके का चैरिटी वीज़ा कैसे लें, फ्री कैसे हम हासिल करें, और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या वीज़ा फीस है, किस तरीके से वीज़ा मिलता है, कहाँ से हमने अप्लाई करना होता है? अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आपको इस वीडियो में आपको वहाँ पे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डी अहमद 0490। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ कंट्री के वीजा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम करूंगा। आपको बताऊंगा कि हम किसी दूसरी कंट्री में कैसे मूव हो सकते हैं, क्या तरीकाकार है, क्या किस तरीके से हम जा सकते हैं। तो बहुत सारे इस चैनल के ऊपर आपको वीडियोज मिलेंगे ट्रैवलिंग के बारे में। आपने जस्ट अप्लाई करना होता है अपना वीजा, किसी एजेंट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठ के अपना वीजा अप्लाई करना होता है। तो यूके का जो चैरिटी वीजा, सबसे पहले इसके ऊपर अगर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आए, तो यूके का जो चैरिटी वीज़ा है, वो 1 ईयर का हमें वीज़ा मिलता है। इसको वर्क परमिट वीज़ा भी बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं, तो इसको टेम्परेरी वीज़ा भी बोलते हैं। जस्ट 1 ईयर का मिलता है, इसके बाद आप रिन्यू इसको करवा सकते होते हो। इसके अंदर आपकी फैमिली अलाउ होती है, आप अपनी फैमिली को भी बुलावा सकते हैं। इसकी अगर बात की जाए वीज़ा फीस की, तो 298 पाउंड होता है जो इसकी वीज़ा फीस है। तो ये आपको फ्री भी मिल सकती है, वो कैसे मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात की जाए तो 21 डेज है। जस्ट इन 3 वीक्स के अंदर आपको यूके का जो चैरिटी वीज़ा है वो आपको मिल जाएगा। अगर इसके बात की जाए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आपको चाहिए PCC, आपका पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट, FRC MRC, या आप इसके अलावा आपको चाहिए आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स है आपको, और इसके अलावा आपको चाहिए आपका बाई बैकग्राउंड के साथ 2 से 3 पिक्चर्स, और इसके अलावा आपको चाहिए हेल्थ केयर सरचार्ज 1025 पाउंड का। तो लेकिन ये आपको भी फ्री मिल सकता है, वो आपको आगे जाके आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप किसी तंजीम का हिस्सा रह चुके हों, या आप किसी चार्टी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पहले के मेम्बर रह चुके हैं, या चार्टी डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हो, तो आपको जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले करना ये होता है कि आपने ये वीज़ा कैसे हासिल करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। आपने ऑनलाइन फाइंड करनी होती है, सबसे पहले अपने जॉब जॉब कैसे फाइंड करनी है, तो उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने जस्ट उस लिंक को क्लिक करना है, करने के बाद आपने अपने लिए जॉब फाइंड करनी है। जॉब फाइंड करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ कि हमें CV अच्छी सी बनानी होती है। CV बनाने के बाद हमें अपने साथ में हमें अपना एक कवर लेटर हमने उन्हें सेंड करना होता है कि हम क्यों जाना चाहते हैं यूके के अंदर, चैरिटी वीज़ा हम क्यों हासिल करना चाहते हैं, किस तंजीम से ताल्लुक है हमारा, तो वगैरह। तो आपने साथ में अटैच करना होता है, कवर लेटर में पूरा आपने मेंशन करना होता है। तो वो रीड करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए आपको कॉल दे देंगे। जब आपकी ईमेल आ जाएगी, आपने इंटरव्यू देने के बाद अब आपको जॉब लेटर दे देंगे। जॉब लेटर जैसे ही आपको मिल जाएगा, तो आप अपना वीज़ा आगे अप्लाई आपको जो अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो इसकी अगर बात की जाए तो वीज़े की, तो ये वीज़ा बहुत आसानी से बहुत इजीली लग रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ का याद रखना है कि बहुत सारे लोग भी एजेंट्स ज़रा भी ये वीज़ा दे रहे हैं, वो यूके का चैरिटी वीज़ा के नाम से आपको वीज़ा देते हैं, लेकिन आप वहाँ पर जाते हो तो वहाँ जाकर आपको कोई काम वगैरह तो नहीं मिलता, लेकिन आपको इस किसी तरीके से वो ये वीज़ा लगा के किसी आप कह सकते हैं किसी तंजीम से आपका ताल्लुक हो, तो वो करवा के ऐड खुद ही डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके वो आपको वीज़ा दे दे, लेकिन आगे काम नहीं होता या वीज़ा आपका लगता ही नहीं, आपसे पैसे ले लेते हैं, तो इस तरीके से आपने बच के रहना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।